मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जी ए पी दैट मीन की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ने एक गाइडलाइंस दिया जिसके बेनिफिट्स मेनली तीन पॉइंट में डिवाइडेड है, जो कि पहला है हमारा कि द कंट्रीब्यूट द क्वालिटी री एश्योर ऑफ मेडिसिनल प्लांट मेटेरियल यूज एज सोर्स हर्बल मेडिसिन। जो हम मेडिसिनल प्लांट का हर्बल एज ए सोर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन हर्बल मेडिसिनल प्लांट से हम उसे ऑब्टेन करते हैं, इसका गाइडलाइन से क्या होता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी सेफ्टी एंड इफेक्टनेस ऑफ फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट। इस पॉइंट से ये होता है कि जो हम हर्बल मतलब मेडिसिनल प्लांट्स बना जो लेते हैं, हमारा सोर्स जो है हर्बल प्लांट, इससे क्या हो जाता है कि इस गाइडलाइन से अगर हम करेंगे तो उसमें क्वालिटी इफिकेंसी एंड सेफ्टी ज़्यादा होता है। सेकंड इसका क्या कहता है कि गाइड द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल मोनोग्राफ ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो मेडिसिन मोनोग्राफ हम लिखते हैं तो इस गाइडलाइंस का अगर हम फॉलो करके अच्छा से अगर करेंगे तो इसमें जो है स्टैंडर्ड मोनोग्राफ हम लिख सकते हैं जो कि बेनिफिशियल है। और थर्ड है हमारा प्रोमोट एंड सपोर्ट कल्टीवेशन एंड कलेक्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट गुड क्वालिटी इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सपोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड एनवायरमेंट। गाइडलाइंस का अगर मेनली आप ये समझे कि नॉर्मल इसमें कि जो गाइडलाइंस देता है ये मेनली क्या करता है कि जो हमारे मोनोग्राफ्स हो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसमें क्वालिटी ज़्यादा हो, इफिकेंसी ज़्यादा हो, थेरेपेटिक यूजेस ज़्यादा हो और जो हमारे हार्मफुल कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो। अगर हम उसका उस प्रोसीजर को फॉलो करके उस गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे ये हमारे बेनिफिशियल्स हैं।